हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? ऐसी और वेल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ अपनी एक और एनालिसिस की वीडियो में। तो हम करने जा रहे हैं फॉरेक्स के एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास आ जाता है गोल्ड। आपको नजर आ रहा होगा गोल्ड की कुछ ऐसी सिचुएशन है कि फुल वीडियो भी मैंने गोल्ड के एनालिसिस पे एक बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं वीक की। लास्ट वीक हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अच्छे पिप्स लिए, 300+ पिप्स लिए इस मूव से। तो अब जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है गोल्ड की, वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम टाइप पैटर्न एक नज़र आ रहा है, लेकिन इसका एक बॉटम जो है वो बहुत बड़ा है। लास्ट टाइम भी मार्केट यहाँ से ही बाइंग मोमेंटम में गई थी, अभी भी हमें लग रहा है मार्केट यहाँ से ही बाइंग मोमेंटम में जाएगी। यहाँ पे कुछ अच्छे मूव नज़र नहीं आ रहे अभी मार्केट में, तो लेकिन मार्केट में यहाँ पे इनवर्स हेडिंग शोल्डर बन सकता है, ठीक है, या इसी तरह भी ये मार्केट इसको ब्रेक करके देन मार्केट अब जा सकती है। एक जो इसका एरिया वो 1850, अगर ये 1855 को ब्रेक कर देती है फिर हम इसको 1870 के करीब देखेंगे। अगर ये 1870 को ब्रेक कर देती है देन इसको हम अब देखेंगे, और अगर ये यहाँ से नीचे चला जाता है 1877-28 से तो हम इसको नीचे देखेंगे। उसके बाद हम जाते हैं DXY पे। DXY पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा मूव देखा है, ठीक है। ये SL के करीब से मार्केट ऊपर आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा मूव मार्केट के अंदर DXY के ऊपर भी लिया है। सो अब DXY भी नीचे आ रहा है, अगर DXY भी यहाँ से नीचे ब्रेकआउट दे देता है यहाँ तक का, तो मार्केट गोल्ड की तो हमें बहुत ही ऊपर का मूव देगी। DXY पे भी नजर रखें, US ऑयल की इस टाइम ये सिचुएशन है कि US ऑयल अपनी एक सपोर्ट पे है H4 के चार्ट में। अगर ये इस सपोर्ट से यहाँ पे हमें कोई अच्छा मूव देता है, यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बनी हुई है, एक पैटर्न कैंडल्स का जो पैटर्न बन रहा है वो हमें बाइंग मोमेंटम का ही नज़र आ रहा है। देखें, एक बैरिश बड़ी कैंडल, आगे डोजी, डोजी के बाद एक बाइंग की कैंडल। अब यहाँ पे अगर ये रीटेस्टिंग देता है देन मार्केट को हम इधर तक देखेंगे, 81.34 तक इस वीक के अंदर हम मार्केट को देख सकते हैं US ऑयल की। उसके बाद यूरो USD पे आ जाते हैं। यूरो USD की कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हमने यहाँ पे इसका एक TP लिया, उसके बाद हमने इसके ऊपर ट्रेड नहीं ली। आज हम देखते हैं कि यूरो USD भी गोल्ड की तरह मूव कर रहा है, ठीक है। इसने यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप बनाया, नीचे आया ऊपर आया। अगर ये यहाँ से अगर बेरिश कैंडल्स बनाता है तो ये नीचे है, ठीक है। फिर गोल्ड को भी हम सेलिंग में देखेंगे, यूरो और गोल्ड ऑलमोस्ट वन टाइप एक जैसे ही मूव करते हैं, लेकिन यूरो कुछ ज़्यादा मूव कर देता है, गोल्ड थोड़ा अपने आप में ही चलता है। तो अगर आप इतना एक यहाँ तक आते हुए भी देखते हैं ना यूरो को, तो गोल्ड बाइंग में ही जा रहा होगा। गोल्ड इतना ज़्यादा मूव नहीं देता, यूरो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, एकदम ही मूव देने लग जाता है। अब गोल्ड और यूरो में फ़र्क तो होगा ना। अब GBP USD भी आ जाता है, GBP USD का भी सेम हिसाब है। यहाँ पर भी हमने एक इसका SL लिया है इस वीक में, सो इसको छोड़ दो। अभी मार्केट इसके भी सेम सिचुएशन में ही हमें नजर आएगी क्या होता है। कोशिश करूंगा ट्यूजडे वेडनेसडे को एनालिसिस की वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि हमें अपडेट्स मिल जाएं कि मार्केट ने किया क्या है। USD JPY अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मूव था, अच्छे SL के साथ चले थे, अभी तक ट्रेड इन प्रोसेस है। यहाँ पे एक TP पहले हम हिट कर चुके हैं, सेकेंड TP की तरफ जा रहा है, 30 TP अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक की है हमारी। और मार्केट इतना मूव देगी, इतना मूव देती है तो अगर बाइंग में चली जाती है और ज्यादा, तो यूरो ऑटोमेटिकली सेलिंग में आएगा। गोल्ड किसी की नहीं सुनता भाई, जो सीधी साफ बात है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गोल्ड मैंने इतनी दफा यूरो को ऊपर जाते हुए देखा है, गोल्ड को नीचे आते हुए देखा है। तो लेकिन कुछ टाइप ऑफ इनका रिश्तेदार हैं ये आपस में, इनका सास बहु का रिश्ता है, कभी सास इकट्ठी हो जाती है, कभी सास बहु की आपस में लड़ाई हो जाती है। अब BTC USD भी आ जाते हैं, आई हाई लव हमारा, ठीक है। ये इतनी बड़ी ट्रेड थी है, ये दी थी लाइव स्ट्रीम के अंदर और अच्छा मूव मिला। फिर कल हमने परसों ली थी, ऑलमोस्ट परसों यहाँ पे एक सेलिंग का मूव लिया था, अभी ये वापस बाइंग की तरफ जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे ये डबल बॉटम बना के नीचे आए, या हो सकता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के ये ऊपर जाए। BTC का इस टाइम कुछ नहीं कह सकते, जो अपडेट्स थी वो मैंने आपको दे दी। लाइव स्ट्रीम भी करते हैं हम न्यूज़ के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे भी आप आके देख सकते हैं हमारे एनालिसिस। गला मेरा इस टाइम हल चुका है, तो सिल्वर के भी एनालिसिस देख लेते हैं आपस की बात। तो सिल्वर में मैंने आज तक जिंदगी में ट्रेड नहीं की, लेकिन मुझे यहाँ पे एक डायमंड पैटर्न नज़र आ रहा है। डायमंड पैटर्न के बाद यहाँ पे मार्केट नीचे भी आ चुकी है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक 20.84047 तक का मूव देगी। सो इसी तरह की एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
और वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का जरूर मुझे बताया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।